सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर से भी दूर बिल्लीमोरा उतर के वहाँ पे एक गांव है चिकली, मुझे वहाँ पे जाना है। तो आज मेरी बहन, मेरे जीजू वो सब लोग जा रहे हैं गांव, तो उन्हीं के साथ मैं ट्रेन में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भांजा भी जा रहा है साथ में, छोटा सा है, 1 साल का, मज़ा आएगी उसके साथ। स्टेशन पे आ चुके हैं, गाड़ी अभी जस्ट आने ही वाली है। मैं आसिफ भाई, देखिए मेरा भांजा आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा भांजा है। लोग तो यहाँ बैठ गए, मेरे पापा बाहर सबको मतलब बाय कर रहे हैं। मेरा तो नंबर अभी पीछे S2 में, ये लोग S5 में बैठे हुए हैं, मेरा नंबर पीछे S2 में है। बाय करो बेटा, बाय करो, सबको बाय करो, सुबह दादा को बाय करो। के बाद में अपनी सीट पे आ चुका हूँ, 30 नंबर मेरी सीट है पीछे, और आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। मेरी जगह से उठ के थोड़ा सा यहाँ पे आया हूँ S2 में, देखना चाहता हूँ चल रहा था। तो अभी बैठा है भांजा अपने पापा के साथ, बैठा हुआ है, फ़ोन देख रहा है। कुछ क्या देख रहा है फ़ोन में? फिर से चाहिए। अच्छा ये, अच्छा दोस्तों, सूरत स्टेशन पे मैं उतर गया और यहाँ से S2 में से मैं निकल के S5 में जा रहा हूँ। नवसारी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे बहन, मेरे जीजू और जो छोटा उनका मतलब लड़का है अरसलान, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको भी। मेरी सीट वैसे मैंने छोड़ दी है, मैंने बोल दिया जिसको बैठना है बैठ जाओ। दोस्तों वहाँ पर जाते जाते थोड़ा सा कोक और पॉपकॉर्न ले लिया है मैंने, मज़ा आएगी। बच्चा वगैरह भी थोड़ा खाएगा पॉपकॉर्न तो अच्छा लगेगा। आसिफ भी बाहर ही, देखिए क्या चल रहा है भाई। मैं यहाँ पे आ गया बैठने के लिए, थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा फिर मेरा स्टेशन आने वाला है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर बैठा था, मेरे को देख के नीचे आ गया। कोक मैंने इसको दे दिया, पॉपकॉर्न भी इसके लिए। पॉपकॉर्न खाएगा शू, पॉपकॉर्न खाएगा ना, खोल कर दूँ पिएगा, रुक जा खोल देता हूँ। देखिए कोक खोल दिया, इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है पीने के बाद। कैसा लगा जल्दी बोल जल्दी। वो ट्रेन में हो यार, फोन करूं, फोन मत करो, फोन मत करो यार, वो फोन करो दोनों पर से पाँचों मिले कहीं होनी चाहिए कोई। एक बार कोक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थम्सअप अगर होती तो इसका मुंह पूरा बिगड़ जाता। दोस्तों मैं थोड़ी देर मतलब दरवाजे के पास जाके खड़ा था, तो ये ढूंढ रहा था मामा कहाँ गया करके, जाएगा 10 मिनट बाकी है, मेरा स्टेशन आने ही वाला है। मामा को अच्छा। तो चलिए दोस्तों, मेरा स्टेशन तो आ गया वलसाड, अभी सबको बाय करने का वक्त आ गया। आसिफ भाई वहाँ पर ऊपर बैठे हुए और ये मामा कर रहे हैं यहाँ पे खड़े रह के। जाऊँ बेटा जाऊँ पे, तो उतर गया अपन। यहाँ पर उतरने के बाद खतरनाक बारिश है, हालांकि वो लोग मुझे लेने आ चुके हैं बाहर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर आने को बोला है, लेकिन बारिश तो चालू ही है, कंटिन्यू बारिश चालू है। दोस्तों बारिश बहुत आ रहा है और इनकी ट्रेन भी निकल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म से मैं ऊपर से यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, प्लेटफॉर्म वहाँ पर आगे है, ये वाले हिस्से में अगर मैं क्रॉस करके जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, कैमरा वगैरह सब कुछ मतलब भीग जाएगा। तो मैं सर्वाइव करके थोड़ा सा बाहर तो आ गया अपन। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि XUV आएगी, देखना पड़ेगा कौन सी गाड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे यहाँ पे फ़िलहाल। अभी XUV बोला है उन्होंने, ढूंढ ही रहा हूँ वो रही शायद वहाँ पे खड़ी है। XUV को तो मैं दूर से ही पहचान जाता हूँ क्योंकि XUV लेना है तो इतना उसके बारे में रिसर्च कर लिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। गाड़ी मिल गई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, सब भाई लोग आए लेने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैग पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों बैठ गए फाइनली। तो देखिए दोस्तों मैं उतर चुका हूँ यहाँ पर और बाहर बारिश वगैरह देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और यहाँ पर आया हूँ मैं ममानियत फार्म पर, और चीकू के झाड़ वगैरह दिख रहे हैं बाहर, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ। वो सेटअप है बर्ड्स का जो मुझे सारा कवर करना है, 1 या 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। थोड़ा सा बारिश रुकने तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ आगे भी सेटअप है, बहुत बढ़िया सेटअप है, आप देख ही सकते हो, डिटेल वगैरह सब लिखी हुई है, सब जाएंगे वहाँ पे आपको
डिटेल बताएंगे। तो मैं अंदर आके बैठ चुका हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपसे मैंने शेयर किया था, अंदर सब भाई लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो मेन सोहेल भाई है वो यूके में रहते हैं, तो अभी उनके ये भाई है मूसा भाई। और माशाल्लाह आप देख सकते हो घर ओल्ड स्टाइल में कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, 2000 में इन्होंने बनाया हुआ है, 2000 या 2001 के आसपास। सोहेल भाई के फादर है वो, और ये भाई मुझे लेने आए थे स्टेशन पे, वो दोनों भी आए थे लेने के लिए। तो देख सकते हो आप माशाल्लाह एकदम घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। फार्म पे जाएंगे, पूरा फार्म कवर करेंगे, अहमदाबाद बजीज के ऊपर देखने मिलेगा वो वीडियो, ज़रूर चेक करिए, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों खाने के लिए बैठने वाले, और माशाल्लाह देखिए डाइनिंग टेबल क्या ज़बरदस्त सजाया हुआ है इन्होंने, बैठेंगे यहाँ पर खाना खाएंगे। ये पूरा रूम यहाँ पर खाने के लिए, यहाँ वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है, किचन वहाँ पर है, और माशाल्लाह बैठेंगे खा लेंगे खाना। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह खाने के लिए तो एक से बढ़कर एक चीज़ है, मीठे में, बिरयानी में, स्टार्टर में यहाँ पर, और ये अचार वगैरह दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। तो खाना वाना खा के बाहर आके बैठे हुए, थोड़ा बारिश स्टिल आ रहा है, जब हम खाना खा रहे थे थोड़ा सा रुक गया था, पर अभी आ रहा है और रेडी हूँ मैं, वैसे माइक वाइक लगा के रेडी हूँ, आप देख सकते हो, वीडियो शूट करने के लिए। बहुत बड़ा फार्म है, 2-3 हिस्सों में मुझे कवर करना है, वहाँ पे वो जो आगे है वहाँ पर सब बकरे वगैरह होते हैं उसका अलग कवर करना है, मेन फार्म जो वहाँ पर है बर्ड्स का, एग्जॉटिक बर्ड्स का, उसको हम कवर करेंगे। और इसके अलावा वो सामने की साइड वहाँ पर एक सेटअप है, वो पीछे भी एक वहाँ सेटअप है, टोटल 4-5 सेटअप है, 2 पार्ट के अंदर मैं सारा कवर कर लूँगा, तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस वगैरह, गाय, जो दूध का उत्पादन वगैरह होता है वो सब कुछ होता है यहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा माहौल है इधर। दोस्तों थोड़ा सा बारिश कम हो गई, उसके बाद हमने पूरा फार्म कवर कर लिया, बहुत मज़ा आया। फार्म की वीडियो देखना मत भूलिए, अहमदाबाद बजीज पे आ चुकी होगी वीडियो, और ज़बरदस्त फार्म था, देखिए ये था फार्म वो, और अंदर फैंसी पिजन्स थे, कॉकटेल्स थे, लव बर्ड्स वगैरह थे, और बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें दिखाई मैंने। डिटेल में वीडियो के लिए अहमदाबाद बजीज पे आपको जाना होगा दोस्तों। चलिए एक झलक आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, माशाल्लाह देखिए ये वो फार्म था, बहुत सारे बर्ड्स दिखाए मैंने, एक से बढ़कर एक बर्ड्स दिखाए, उनका फार्म था, और ये उनके सब मतलब डिटेल, फैमिली बिजनेस है उनका काफ़ी टाइम से। और यहाँ पर अंदर जो है पिजन्स, काफ़ी अच्छे अच्छे पिजन्स थे, बहुत बड़ा सेटअप था ये भी, कॉकटेल्स का वगैरह वो सब दिखाया। और वहाँ पर आगे जो है डॉग्स वगैरह वो सब हमने देखे, अब वो आगे की साइड चीकू के झाड़ वगैरह है, वहाँ बकरे, भैंस, मुर्गे वगैरह, तो वो सब भी देखेंगे। देख सकते हो आप कितनी बड़ी जगह है माशाल्लाह, ये हाईवे से टच ही है इनका, और ये भी इनका है, और रोड के उस साइड वो भी पूरा फार्म उन्हीं का है, वहाँ पर जाएंगे वो भी कवर करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा चिकड़ है वहाँ पर, थोड़ा सा पाँव वाँव फिसलेगा, अपन कोई मसला नहीं है, जाके पूरी वीडियो बनाएंगे। और फार्म आपको अभी मैं विज़िट करा रहा हूँ, बेसिकली ये उनका बंगलो है, यहाँ पर वो रहते हैं, और वो एक्सयूवी थी जिसके अंदर हम बैठ के आए हुए थे, वहाँ पर एक छोटा सा मतलब सेटअप था, और उसके पीछे की साइड भी और बहुत बड़ा बर्ड का सेटअप पूरा बनाया हुआ इन्होंने। और यहाँ पर पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ, पीछे बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जंगली चिड़ियाँ वगैरह भी बहुत है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पीछे की साइड में आया हूँ, थोड़ा सा चिकड़ है तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, पर बढ़िया है, वहाँ पर देख सकते हो पूरा जंगल जंगल टाइप का है, मज़ेदार इलाका है, और एकदम क्या बोलते हैं जिसको, माइंड एकदम शांत कर देने वाला इलाका है, सुकून मिलेगा आपको यहाँ पर आकर, सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया जगह है। यानी कि बारिश का माहौल भी, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, नारियल के पेड़ वगैरह, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस समझिए ये वही एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस दोस्तों कभी कभी ही मिलता है लाइफ में, और मिलता है तो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, ऐसे ग्रैब कर लीजिए, अगर ग्रैब नहीं करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएगी, फिर वो एक्सपीरियंस आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा लाइफ में, कभी कभी मिलता है, इक्का दुक्का बार मौका मिलता है। वहाँ पर कुछ बतख वगैरह खेल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बतख भी आपको मैं जाकर दिखाऊंगा, प्यारे से बतख है, मुर्गियाँ वगैरह हैं यहाँ पर, और वो बतख देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं वहाँ पर, देखिए वो शायद हंस है, माशाल्लाह हंस है वहाँ पर, वो हंस है वहाँ पर। ये केरी का झाड़ देखिए, और केरी कितनी बड़ी लगी हुई है इसके ऊपर, आप देख ही सकते हो ये केरी कितनी बड़ी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मतलब केरी लगी हुई है। तो एक खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत जगह पे आया हूँ, आपसे शेयर किया, व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, पहली बार मुझे व्लॉग्स देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके देखिए, मैं ऐसी ऐसी जगह आपको विज़िट कराऊँगा, और ट्रैवलिंग व्लॉग्स आते हैं, और इसके अलावा मोटर व्लॉगिंग भी हम करेंगे, मज़ा आएगा, भरपूर मज़ा आएगा यहाँ। तो अब देखिए दोस्तों, चाय मैंने सिर्फ बोली थी तो चाय के लिए कितनी सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, ये समोसे आ गए, ये पता नहीं ये क्या है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिखने में, और ये टोस्ट बटर वगैरह सब आ गए सिर्फ चाय में, मैंने बोला था चाय पी के अपने दोबारा शूट स्टार्ट करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आ गई,
माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब मेहमान नवाजी की इन्होंने। तीन चीज़ें ही कम नहीं थी, ये चौथी चीज़ दोबारा आ गई। बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी। इसको क्या बोलते हैं अपने वहाँ पे, कमेंट करके बताइए। दोस्तों कुछ प्यारे से हंस दिखाए आपको मैंने, और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कुछ गाय है, कुछ भैंस है जिनका दूध वगैरह निकालते हैं। डॉबर मैंने एक डॉग है वहाँ पर, कुल मिला के चार डॉग्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आम के झाड़ है, देखिए कितने सारे आम के झाड़ है। एक कितना अच्छा माहौल है, ये उनका घर है। हम मतलब वहाँ से सारा सेटअप कवर करके रोड के इस पर हम यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ चीकू के झाड़ वगैरह भी है। चलिए तो दोस्तों आज का पूरा दिन आपसे शेयर किया, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।